नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हसीब खान और माय विजन 24 पर आप सभी का स्वागत है। पटना वाले खान सर इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार अपने पढ़ाने के अलग अंदाज को लेकर नहीं, बल्कि किसी और वजह से चर्चा में हैं। दरअसल खान सर अपने देसी अंदाज में किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से इनकी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब चैनल पर इनसे 92 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। खैर, खान सर ने 24 अप्रैल को एक वीडियो डाला था पाकिस्तान और फ्रांस के संबंध पर। इसमें वो एक जगह बताते हैं कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने के लिए जमकर विरोध चल रहे हैं और इन विरोध में प्रदर्शनों में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वाले बच्चे की तस्वीर को पॉइंट करके खान सर बताते हैं। क्या बताते हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। लेकिन ये लोग सबसे सुधर नहीं रहे और यहाँ पर अभी ये तहरीके लव बैक पार्टी जो है वहाँ पर, इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पर। प्रचार छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज़ में रहें हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौरा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का? बैनर से छोटा है बेचारा, ये है क्या? खान सर यही नहीं रुकते हैं, आगे वो बिना किसी जाति या धर्म का नाम लिए एक विशेष आबादी पर टिप्पणी भी कर जाते हैं। क्या कीजिएगा, 18-19 को पैदा होंगे सर, तो कोने काम आएगा सर? कोनो कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब, तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोचो, इनको नामों पूछी होगा, छोटका मझिला पतरका, यही सब करेगा सभी। इसी वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और रिपोर्ट ऑन खान सर ट्रेंड करने लगा। तना खैर नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये कंगना रनौत का मेल वर्जन है। IAS की तैयारी करने वालों को सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह नफरत फैलाने वालों की जगह धार्मिक सद्भाव की बात करें। YouTube से गुजारिश है कि इन्हें इंटरटेन करना बंद करें। इसी तरह से कुछ और भी ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। उन ट्वीट्स में खान सर को इस्लामोफोबिक और संघी करार दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कुछ लोग खान सर को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। उन्होंने लिखा कि खान सर ने कुछ गलत नहीं कहा है। लोग उनके एक पुराने मोटिवेशनल वीडियो को खोज कर ले आए और ट्वीट करते हुए APJ अब्दुल कलाम तक का भी जिक्र कर दिया। जिताना चाहता है, उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इसे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं, हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग का भी कुछ नहीं था, वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा आना था श्रम या ऐसी चीज़ों पे हेल्प कर देते। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक बात और जमकर ट्रेंड हुई। कुछ लोग खान सर या अमित सर में कंफ्यूज होते हुए दिखे। दरअसल कुछ लोग खान सर की एक वीडियो क्लिप खोज कर लाए। इसमें देखा जा रहा है कि खान सर कह रहे हैं कि मेरा असली नाम खान नहीं बल्कि अमित सिंह है। वीडियो देखिए आप। यार मेरा खान सर नाम न ना है। सुन, तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना, तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहाँ के टीचर जो थे, मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास, सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास आए, वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर। मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सब तुरंत तुरंत क्लास ले लिया कि भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहाँ से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा सर। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा क्या मतलब इस, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे, ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को।
कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे जीएस टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है तो उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर, तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। कोई बात नहीं, आप समझिए, आपको जो समझना। इस ट्वीट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसका सपोर्ट कर रहा है और कौन किसका विरोध। खैर इस ट्वीट से जुड़े और कुछ ट्वीट देखते हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, ये खुद को टीचर कैसे कह सकते हैं। एक और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो सुरेश और अब्दुल को लेकर हिंदी व्याकरण का समास समझा रहे हैं, लेकिन उदाहरण से ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। खैर कौन है खान सर, इस बात को लेकर मिस्ट्री अब भी बरकरार है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इनके यूट्यूब चैनल पर जो इनका परिचय दिया गया है उसमें भी केवल खान सर लिखा है, पता पटना का दर्ज है। लेकिन पब्लिक फोरम में जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके हिसाब से खान सर का पूरा नाम फैजल खान है। गोरखपुर यूपी में पैदा हुए थे, NDA में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। फिजिकल क्लियर नहीं हुआ तो लोगों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया। इनके पढ़ाने के अच्छे अंदाज और रिसर्च के चलते जमकर हिट हो गए। फिलहाल पटना में रहते हैं। एक लंबी चौड़ी टीम खान सर के वीडियो प्रोडक्शन और रिसर्च के लिए काम करती है। खैर इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।